हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी है और बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च का अचार बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी तरीके से बनता है और इसमें थोड़े से मसाले पड़ते हैं जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। इसको आप कभी भी बना सकते हैं। ये आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको टिफ़िन में भी पराठे के साथ ले सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आप इसको सब्जी के साथ, दाल के साथ कैसे भी खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ आपको कि कुटी हुई हरी मिर्च का अचार कैसे बनता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने हरी मिर्च ले ली है। तो हरी मिर्च देखिए, मैंने ये थोड़ी सी ऐसी वाली हरी मिर्च लेनी है हमें, जो जिसका छिलका हो वो थोड़ा सा खुरदरा हो, ऐसे एकदम से चिकना नहीं हो। तो ये थोड़ी देसी हरी मिर्च होती हैं, तो ये ही वाली मिर्च लेनी है हमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खरास होता है और जो अचार हम बनाते हैं वो खरास वाली जो मिर्च होती हैं वो ही अच्छा अचार बनता है। तो सबसे पहले हम इसके डंठल निकाल देंगे। तो सारे डंठल मैं तोड़ देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक महीने के लगभग आपको ये अचार चलाना है तो इसमें आप सिरका डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें तेल यूज़ नहीं होता। मैं इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं यूज़ करती हूँ। इसको मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं 10-15 दिन तक ये अचार चला लेती हूँ, 10-15 दिन चल जाता है। और ये तो मैंने थोड़ा डाला है, तो एक वीक चलेगा। एक वीक आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिन चलाना है तो सिरका या नींबू आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू जो है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सिरका भी करता है। आप इसको ऑयल भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, ऑयल से भी मिर्चें जो है वो ख़राब नहीं होता है अचार। तो मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाऊँगी इसको। तो मैंने मिर्चों को नाकू काट करके, और उस अभी मैंने मिर्ची के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और पीसेस को मैं एक ओखली ली है उसके अंदर डालूँगी और जो मिर्च है उनको कूट लूँगी। तो ये देखिए हम ऐसे करके और कूट लेंगे, आसानी से कूट जाएंगे इसमें। और हमें दरदरी कूटनी है, इनको ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, बस दरदरा दरदरा कूटना है सारी मिर्चों को। तो मैं ऐसे करके सारी मिर्चों को बस फोड़ लूँगी। तो ऐसे करके कंटिन्यू मैं इसको फोड़ लूँगी मिर्चों को। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कूट जाती हैं, बट थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है क्योंकि इसका खरास बहुत आता है इन मिर्चों का। तो बहुत ही ध्यान से आपको कूटना होगा। तो देखिए मैंने आधी मिर्चों को कूट लिया है, ऐसे ही मैं डालती जाऊँगी और कूटती जाऊँगी। फ्रेंड्स ये अचार जो है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैंने आधी कूट ली है, आधी मैं और कूट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अचार जो हमारी मिर्चें थी वो मैंने सारी कूट ली हैं। और ये देखिए आप लोगों के सामने, बस जैसी आपको वीडियो में दिख रही हैं आपको बस ऐसी ही कूटनी है, इसे बारीक नहीं करनी है, बस हल्का हल्का सा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कूट गए हैं और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले में मैं ये डाल देती हूँ राई, जो छोटी वाली राई होती है उसको मैंने पीस के ले लिया है। और थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ डाल देती हूँ, सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और ये मेथी दाने लिए हैं, ये डाल देती हूँ। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो मसाले भी इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, बस इसमें चार ही मसाले यूज करूँगी मैं, नमक और राई और मेथी और सौंफ। आप चाहो तो इसमें राई छोटी वाली नहीं तो आप बड़ी राई भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चलेगी। बट जब छोटी राई हो तो वो ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस अचार के लिए वो वाली राई सबसे बेस्ट होती है। तो देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं, और मसालों को मैं मिर्चों को अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए मैं इसको हल्का हल्का घुमाते हुए इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिर्चों में बैठ जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आए। तो देखिए मैंने सारे मसाला जो है वो मिक्स कर दिया है मिर्चों के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाउल में डाल दिया है, मैं एक दिन के लिए बाहर रखूँगी बाउल में, उसके बाद में मैं इसको जार में डाल के रख दूँगी। और जो अचार है उसके लिए आपको जार जो है वो हमेशा या तो चीनी मिट्टी का होना चाहिए या फिर शीशे का होना चाहिए, वो ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये
हरी मिर्च की कुटी हुई हरी मिर्च का अचार का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।